कल का आपका भाषण बहुत अच्छा था सर। अच्छा अच्छा, बधाई हो सीएम साहब। बहुत बहुत बधाई हो सीएम साहब, सत्ता में बैठे हुए आपके 4 साल पूरे हुए। जिस कुशलता और ईमानदारी से आपने सत्ता का भार संभाला है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है साहब। धन्यवाद भजन सिंह जी। जब आप जैसा शुभचिंतक मेरे साथ हो तो मुझे किस बात की चिंता है। भजनलाल जी, गरम है आपके लिए स्पेशल चिल शैंपेन। अच्छा। यस सर। अरे गोली चलाई किसी ने, ऊपर से किसी ने गोली चलाई। अरे जाओ देखो ऊपर, चारों तरफ से घेराबंदी कर लो, यहां से कोई भी, चारों तरफ से घेराबंदी कर लो। ये गम गुस्सा क्यों है? ये वाकई अफसोसनाक बात है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद हमारे प्रिय सीएम साहब पर कातिलाना हमला हुआ और हमारी पुलिस कातिल को ढूंढने में नाकाम है। ये तो आप लोगों की दुआएं और भगवान की कृपा है कि 3 गोलियां लगने के बावजूद हमारे सीएम साहब सही सलामत हैं। लेकिन मुझे कसम है खून के उन कतरों की जो सीएम साहब के जिस्म से बहे, मैं उस कातिल को ऐसी सजा दिलाऊंगा कि आने वाली नस्लें याद करके कांप उठेंगी। ये मेरा वादा रहा। जय हिंद। अन्ना, भजन सिंह बोल रहा हूं। हाँ बोलो भजन सिंह जी। मेरी ही दी सुपारी मेरे ही गले में अटक गई है। क्या मतलब? अन्ना सीएम बच गया है और पुलिस शिवा को पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। समझ गया ना क्या करना है? हाँ हाँ समझ गया भजन सिंह जी। क्या हुआ शिवा, ये खून कैसा? कुछ नहीं अन्ना, पुलिस की गोली छू कर निकल गई। लेकिन तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? अपना गेम पलटी हो गया शिवा। 3 गोली लगने के बावजूद सीएम अभी तक जिंदा है और पुलिस तेरे को ढूंढ रही है। तू कुछ दिनों के लिए बंबई चले जा और ये पैसे ले, अगर और जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। अन्ना आज पुलिस से भागते वक्त एक हादसा हो गया, एक मासूम जवान लड़का मेरे हाथों मारा गया। उसके घर वालों का पता लगाकर ये पैसे उन तक पहुंचा देना। तू फिक्र मत कर, पैसे पहुंच जाएंगे। और सुन, बॉम्बे शिवा नहीं अजय जाएगा। अंकल, ये आपके लिए। केक है, ले लो बेटा। इसके पैसे नहीं लेंगे हम तुमसे। ये हमारे सुपुत्र हैं रोहित, आज इनका जन्मदिन है। हमने तो कहा था कि बंबई जाकर आराम से मनाएंगे, लेकिन नहीं माने। अब चलती गाड़ी में तो इसी तरह की बर्थडे पार्टी होगी। दे दो बेटा, ये लीजिए। थैंक यू। कुछ भी कहो, चोरों की कमी नहीं है हिंदुस्तान।
काशीपुर से हमारे साथ एक बुजुर्ग साहब चढ़े, बातों बातों में उनके साथ दोस्ती हो गई। पिछले स्टेशन पर पानी पीने के लिए उतरे और वापस चढ़े ही नहीं। मालूम हुआ कि श्रीमती जी का पर्स उठाकर ले गए हैं और इन्हें पता तक नहीं चला। अब किसी की शक्ल पर थोड़ी लिखा होता है कि वो चोर है या कातिल। क्यों बेटा? अंकल चोली के पीछे वाला गाना बजाओ ना। सो गया रोहित बेटा, चलो उठो मेरी बस पर आकर सो जाओ। नहीं मैं यही सोऊंगा। जी सोने दीजिए इसे यार, वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही। अरे भाई तकल्लुफ छोड़ो और ऊपर सो जाओ। ये जरा पकड़ना। रोहित बेटा सर उठाओ, मैं जरा बाथरूम होकर आता हूँ। जी ठीक तो हो ना? ठीक रोहित, ठीक है। ये लो तुम्हारा पर्स। शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। दरअसल वो तुम्हें नहीं मुझे मारने आए थे। आपको? मेरा नाम शिवचरण है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे ब्रांच। बम्बई की सरजमीन पर अपन अन्ना सेठ की तरफ से आपका स्वागत कर रहे हैं गुरु। कौन है तू? तारा टनी है नाम हमारा। अबे पूरा गाना गाएगा क्या? अरे पूरा गाना गाने वो किसके पास टाइम है गुरु, अपन तो मुकड़े से काम चला लेता है और आपका मुकड़ा देख के तो मूड आ गया अपन को। बहुत पकपक करता है तू। करना पड़ता है, बम्बई है जिसके पास बोल बच्चे है वही तो अमिताभ बच्चन है। क्या चल सामान उठा। सामान उठाऊ मैं? हरियत हाउस तक चल, सामान उठा और दरिया में डाल। दरिया? दरिया अपनी गाड़ी का नाम है, पानी की तरह चलती है। आ गया दरिया का किनारा, अगर रोक रहे हरिया। आओ गुरु आओ। आओ गुरु कैसा लगा? हा? ये क्या है? अरे भाई अपन गुरु रहने को तो फाइव स्टार होटल में रह सकते हैं, पर क्या बॉस को ऑर्डर है कि आपको ऐसी जगह रुकाने का जहाँ पर काले कव्वे को आप पे शक नहीं होना चाहिए। वैसे मोहल्ला दिखने में महिला कुत्ता लगता है पर अंदर से बहुत अच्छा है गुरु, गरीब के दिल के माफी, न छल है न इनमें कपट है, बिल्कुल सच्चा। अंदर की औलाद। एक मिनट एक मिनट। नहीं साहब ये पागल है, मेंटली है बिल्कुल, इसको पागलखाने का भी लेके आ रहा हूँ। पागलखाना ने इसको बाहर निकाल दिया साहब, क्या करें, किसी नर्स का कान काट लेता है, डॉक्टर का पैक ही देता है, दवा तो ये खाता नहीं, दुआ का असर होता नहीं। इसका ठीक तरह से इलाज करा। चलो चलिए। थैंक यू साहब। बाल बाल बच गया भाई। हे भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अपने गुस्से की बोतल पे शांति का ढक्कन लगा ले मेरे भाई, नहीं तो दिल पटाखे की तरह उड़ जाएगा और अपना कब बम्बे में अपने गुरु को ढूंढ कर रह जाएगा। मालूम है तू किससे पंगा ले रहा था? बहुत डेंजर लोग है भाई, पहले तो मार डालते हैं, लुड़का देते हैं, फिर पूछते हैं क्या क्या था इसने। ये देखो ये टोनी मुआ पता नहीं किस गुंडे मवाली को यहाँ ले आया हमारी बस्ती। आपको तो हर आदमी गुंडा मवाली नजर आता है। क्या कहा? सोने का बंगला चांद का बंगला। क्या गुरु कैसा लगा अपने हवा महल? ये कोई रहने की जगह है? यहाँ तो कबूतर का भी दम घुट जाए मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। अरे ये बम्बई है गुरु बम्बई, यहाँ के लोगों को कबूतर के घोंसले जितनी खोलियों में रहने की आदत पड़ गई है, क्योंकि मालूम है क्या, क्योंकि उनको मालूम है ये भाई, उनको मालूम है कि पैर फैला के अगर सो सकते तो सिर्फ कब्र में, और ये कब्र इतना गया गुजरा भी नहीं भाई साहब, चार पांच मुर्दे आराम से पैर फैला। क्या बोला मैं?
हमारा घर तुमको ग्रेवियार्ड लगता है? चलो उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा, हमको ऐसा पेइंग गेस्ट नहीं मांगता जो हमारा घर को कबर बोलेगा। हमारा घर कबर है क्या समझता? आप तो बगैर ब्रेक के गाड़ी का मामला शुरू हो गया है। आप सुनो तो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा था? क्या? मैं इसको समझा रहा था, ऐसा शानदार घर अक्का बॉम्बे में तेरे को नहीं मिलेगा। राइट। हाँ, ऊपर से अपनी ये ग्रेट सिस्टर ऐसा ख्याल रखेगा जैसे शेर भी अपने बच्चे का। बस अभी जास्ती मस्का लगाने का कोई जरूरत नहीं, हम किसी का ख्याल बैल नहीं रखता, उल्टा उसको हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस? यस, तुमको यूज करने का वास्ते बस यही शुरू मिलेगा। लाइट बिल आधा आधा, टेलीफोन करते ही 2 रुपया वो टेलीफोन का डिब्बा में डाल देने का, नो चीटिंग। सुबह हम बैठती रहेगा, उसके बाद तुमको खाना पीना भाग करने का, हमारा किचन में खाना बनाना नॉट अलाउड। रात का 10 बजे का बाद में घर में नो एंट्री, लड़की सिगरेट दारू स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। और अगर ऊंचा आवाज में बात करेगा ना तो उससे हमारा दिमाग बहुत गर्म होता है, समझ गया ना? तुम समझा के नहीं? समझा, समझा। अपना फ्रेंड को समझा दो, परवड़ता है तो ठीक है ना तो जाने को दो। अरे भाई तू कहाँ जा रहा है गुरु, ये सब आइटम इधर बहन है ना, बाहर तो नहीं ना मेरी जान, ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तेरा दिल बोलेगा होल्लो होल्लो होल्लो। साहब बहुत कड़क है क्या? ले दे के तोड़ पानी में पटेगा नहीं? अरे निपटा देना यार, सुबह VCR पहुंचाता हूँ मैं। उनके घर में तो टीवी तक नहीं है। टीवी नहीं है? दूरदर्शन पकड़ता नहीं है क्या? दूर तक नहीं। क्या हो गया ये, पुराने लोग कितने अच्छे थे, ये नए लोगों ने पूरी अंडरस्टैंडिंग खत्म कर दी यार। ये ईमानदारी की तो हद हो गई। तू तो ऐसे है ना? हाँ। शर्म नहीं आती तुम्हें गंदगी फैलाते हुए? साहब गंदगी नहीं साहब, बीमारी फैला रहे हैं साहब, बीमारी। साहब मुझे बोलने दीजिए साहब, आपको शायद पता नहीं, आप कभी गए नहीं होंगे साहब, मैं बताता हूँ सर, ये लोग अपनी भोली भाली बीवियों के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं साहब। पहले छोटी मोटी बीमारी होती थी, अब एड्स एड्स पैदा हुआ है। अबे घर में टीवी नहीं है क्या? शबाना आदमी चिल्ला चिल्ला के बोलती है एड्स से दूर रहो, एड्स से दूर रहो। पता है ये बीमारी कहां कहां फैली हुई है? अमेरिका में, अफ्रीका में, लेकिन मैं हिंदुस्तान में फैलने नहीं दूंगा, अपने इस पवित्र देश को अपवित्र होने नहीं दूंगा। पता है इसका नतीजा क्या होता है? मैं मना नहीं करता हूं, करिए आप, लेकिन एड्स का इलाज तो आने दीजिए, उसके बाद करिए। एक बात बता दो सर, सर मैं जानता हूं एड्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे सूख के काटा हो जाता है साहब, आदमी बर्बाद हो जाता है, सर से लेके पांव तक वो सड़ जाता है साहब, सड़ जाता है, कहीं का नहीं रहता है साहब। इस बीमारी से जितना बचो अच्छा है, मत करो अपने आप पर अन्याय, मत करो, मत फैलाओ इस बीमारी को भगवान। कहाँ जा रहे हो तुम? सर वही जा रहा हूँ, मैं रोज आधा घंटा एक घंटा यही लेक्चर मैं हर कोठे पर देता हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ सर, सोशल वर्कर। गजरा पहनकर भाषण देते हो? नहीं, इसके बगैर तो एंट्री नहीं है, इट्स जस्ट लाइक ए गेट पास। ज्यादा होशियारी दिखाते हो। अवलदार। यस सर। इसके कपड़े उतार के सड़क पे छोड़ दो और बाकी सबको अंदर बंद कर दो। चलो सर, गड़बड़ हो जाएगा सर, अंदर कुछ भी नहीं है, अंडरवियर। चल चलो चलो चलो, धीरे धीरे चलो, कोना पकड़ के खुल ना जाए पोल, पत्ते बिखर के कुत्ते कुत्ते कुत्ते, एक पूरा मोहल्ला उठाएगा हरामजादे। भूल गया साले, म्युनिसिपैलिटी गाड़ी आई थी, मैंने तेरे को बचाया था, और वो हड्डी जो गले में अटकी थी भूल गया, डॉक्टर को बुला के मैंने निकलवाई थी। कुत्ते देख लूंगा तेरे को साले। अरे बाप रे, ये कहां से आ गई ये औरतें, यहां जानती है कहीं, पहचान ली तो मेरी। चल 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 चल, कोना पकड़ ले, मुंह काला कर ले, मुंह काला कर, कोई नहीं पहचानने का। ये तो इधर ही आ रही है, पहचान लिया तो। अरे ये कौन है? नहीं पहचानी, मुंह काला कर लिया ना, कोई नहीं पहचाना, कोई पहचानेगा नहीं मुझे। टोनी, इसको क्या हुआ?
टोनी, तुम ये क्या? सिस्टर, आपने मेरे को पहचान लिया? आपकी नजर का जवाब नहीं है, यू आर ग्रेट। अरे पर तुम ये क्या हुलिया बनाया? ये जॉगिंग, जॉगिंग। जॉगिंग पर ऐसा गया था तुम? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं किया, कपड़े पहन के गया था, लेकिन रास्ते में वो मिल गया ना, वो वो कौन है? दर्जन, दर्जन, दर्जन मिल गया तो? वो मेरे से कपड़े लेके गया और ये पत्ते का लफड़ा देके चला गया। अरे पर मैं उसमें तुम मुंह काई को काला किया हा? अरे सच्ची बात बताते हुए शर्म आती है क्या? लल्ला पिछले महीने मैं भी वही पकड़ा गया था, उसी एसीपी ने मेरी भी हालत कर दी थी, जाके नहा धो ले। मैंने क्या बोलता है, अपना समझ में कुछ नहीं आया? मेरे को भी समझ में नहीं आया, लगता है काजू का फेनी मारा है, बुड्ढा पागल हो गया है, बेवड़ा है। हमको भी लगता है। आउच! कुछ करो मैं। बकरी। गुड़ की डली संतरे फली, अरे क्या देखती है रे, अरे रुक क्यों गई? बजाओ ना, बजाओ बजाओ, अरे अच्छा लगता है। तुम फिर यहाँ आ गए? हाय क्या करूं मेरी जाने जिगर, तेरे संगीत की चाह जो मुझे यहाँ तक खींच लाती है, आज तो मैं भी सितार को बजाऊंगा जिस पर उंगलियां रखते ही सैकड़ों सुर एक साथ बज उठते हैं। इन तारों को गलत छूने से उंगलियां कट जाती हैं। अरे गलती हो गई। हाथ जोड़ता हूं तेरे, हाथ जोड़ता हूं तेरे। इन्हीं हाथों से छुआ था ना तूने उसे? आइंदा नहीं छूंगा, कभी नहीं छूंगा। शरीफ लोगों के साथ गुंडागर्दी करता है, अरेस्ट हिम। बहुत गर्मी है तेरे खून में। आ मेरी गर्मी का नमूना तेरा भाई देख चुका है, हाथ बंधे हैं वरना तेरी सेवा भी जरूर करता। ये पुलिस स्टेशन है भवानी सिंह, तेरी रखेल का घर नहीं, जहां तू मनमानी कर सके। तू नहीं जानता एसीपी, इसने मेरे भाई पर हाथ उठाया है, भवानी के भाई पर। निहायत बेवकूफ हो तुम, जिसे लातों से मारना चाहिए था उसे हाथों से क्यों मारा? ऐसे भी चिल्लाओ मत। शेर के खर्राटे भौंकते हुए कुत्ते से ज्यादा खतरनाक होते हैं, मैं चाहूं तो इसी वक्त तेरे हाथ तोड़ सकता हूं। यह ख्वाब तू बहुत दिनों से देख रहा है शिवचरण, लेकिन अभी तक तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सका। खाकी और खादी में बहुत फर्क होता है, तुम सिर्फ जुबान चलाना जानते हो और हम हथियार। बहुत जल्द
तुम मेरे निशाने पे आने वाले हो। गोलियां बर्बाद करेगा तू। बुलेट प्रूफ जैकेट सरकार सिर्फ मंत्रियों को देती है, पुलिस अफसरों को नहीं। नहीं जीत सकता तू मुझसे, नहीं जीत सकता, क्योंकि कानून की जंग जज्बात के बारूद से नहीं, सबूतों के हथियार से लड़ी जाती है। शिवचरण, तुम्हारी हर छोटी से छोटी हरकत और बड़े से बड़े गुनाह की फाइल तैयार कर ली है मैंने, और बहुत जल्द वो फाइल चीफ मिनिस्टर साहब के सामने पेश करने वाला हूं। उसके बाद तुम्हारे जिस्म से बुलेट प्रूफ जैकेट तो क्या, तुम्हारी खाल तक उतार ली जाएगी। जिस दरख्त की जड़ में सांप का बिल हो, परिंदे उसकी शाखों पर घोंसला नहीं बनाते। सीपी, खोल दो इसे। सर, नमस्ते सर। नमस्ते, कहिए। हम अजय की जमानत के लिए आए हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो अजय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शर्मानी चाहिए तुम्हें। अजय बाबू, मेरी बहन की रक्षा करके आपने जो हम पर एहसान किया है, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भुला सकता। इसमें एहसान की क्या बात है, नारी सेवा तो परम धर्म है गुरु का। जी, जी। इनके दिल में औरत के लिए अलग ही जगह है। सुनिए, जरा मेरे साथ अंदर आइए। चलिए। तुम नहीं, उठिए ना। सुधा, तुम भी आओ। आप लोग के साथ चाय पीजिए, मैं अभी आया। लो पकड़ो, जल्दी चलो। पता नहीं क्या समझ रखा है इस घर को। हाँ, क्या है, कुछ अलग स्पेशल बना रहे होंगे। ये औरतें जो है ना, हमारे यहाँ बड़े गरीब है पर दिल के बहुत। मैं जरा सा बाहर क्या गई कि तुमने गुंडे मवालियों की मेहमानदारी शुरू कर दी। हाँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो कामनी, वो तो भला आदमी है। अरे भला आदमी होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो जैसे वो गुंडा वैसे ये गुंडा। ओफो, अभी आहिस्ता भी। अरे आहिस्ता क्यों बोलूं, मुझे किसी का डर है। अरे तुम्हारी बहन ने तो वैसे ही मेरा जीना हराम कर दिया है, कल इसकी वजह से भवानी हमारा घर जला देगा, फिर किसको बैठ के चाय पिलाओगे। अरे ये तो छड़ी छड़ांग है, इनका क्या भरोसा, कल दूसरी गली नापेंगे, लेकिन हमें तो इसी बस्ती में रहना है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रहे हो। अरे भवानी के तो हाथ पैर जोड़कर हम माफी मांग लेंगे, लेकिन इन गुंडे मवालियों को तो यहाँ से दफा करो। अच्छा बाबा ठीक है, मैं सब समझा लूंगा। अच्छा। क्या मैं कहती हूँ, अक्कल कब आएगी तुम्हें, कब तक मिट्टी के माधव बने रहोगे तुम। कान खोल के सुन लो, तुम दारू पी के आया, इतना रात को कोई शरीफ आदमी ऐसा दारू पी के आता है क्या? हाँ शरीफ, शरीफ कौन है मिस्टर डेविड, अपुन तो गुंडा है, गुंडा शरीफ लोग उस घर में रहते हैं। आपको यकीन नहीं आता, बताओ। ए साला शरीफ लोग, बाहर निकलो, बाहर निकलो, तुम्हारी इज्जत। जी, 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 क्या हुआ? देखो वो गुंडा मवाली दारू पी के तमाशा कर रहा है। साला समझता क्या है अपने आप को? क्या है तुम? चलो हम बोलता है तुम ऊपर चलो। चलो हम डेविड, चलो मैं ऊपर चलो। ये लोग हमको घर बुलाकर बेइज्जत किया, गाली दिया साला हम लोगों को। ऊपर में चलो ना मैं। अरे ये तो आप ये लोग छत के नीचे था जो सुन लिया, वरना बताता ये लोग को आप चीज क्या है। ये सब तुम्हारा किया धरा है। अरे जाके समझाओ ना उसे। मैं क्या समझाऊं, सो जा अभी। साला हमको अगर फिर से बेइज्जत किया या गाली दिया ना तो बाग कसा बंगार लगा डालेगा, सारी बस्ती को चढ़ा कर राख कर देगा। तो साला एक शरीफ आदमी नहीं बचेगा इस बस्ती को। नशा उतरा के और पानी मारने को मांगता है। हाँ? वो क्या है मिसेस डेविड, कल शाम कल बल कुछ नहीं, अब बीच यही इस टाइम को हमारा घर खाली करो, एक मिनट भी इधर रुकने को नहीं मांगता है। और ये लोग पकड़ो अपना पैसा, तुम क्या समझता है हम पैसे का मोहताज है? अरे वो तो टोनी, वो साला टोनी का बच्चा हमारा हाथ जोड़ा, हमारा पाँव में पड़ा कि इसको इधर में रखो, तब जाके हम तुमको रखा। और तुम साला दारू पी के अक्का बस्ती में बम करता है। अरे छोकरी का इज्जत क्या बचा,
हेडलाइन पूरा इसका जय है, इसने रात को दारू पी के बम बम किया है। अरे मैं तो बोलता हूँ ऐसे आदमी को बस्ते में क्या, बम्बई में नॉन्ट्री कर देना मांगता है। ए, तू समझता है अपने आप को, सिस्टर को हैरान करता है। अभी मैं इसका सूटकेस सूटकेस पैक करके लाता हूँ और उसको स्टेशन में छोड़ के आता हूँ। अभी आता हूँ मैं। ए नाटा, तू किधर में जाता मैन? ये बाल्टी रखेगा, सूटकेस भर के लेके आएगा। इडियट, तुम्हारा बाप का राज चलता है, फादर का राज चलता है। जब जिसको मर्जी लेके आएगा, जब जिसको मर्जी लेके जाएगा। हाँ मगर सिस्टर, तुमने बोला ना इसको घर में नहीं रखेंगा। बोला तो क्या हुआ, ये ऐसा काम काय को करता है? अरे ये हमको मिसेस डेविड मिसेस डेविड बोलता है, लेकिन हम तो इसको अपना बेटा का माफिक मानता है। और क्या माँ क्या बेटे को गुस्सा नहीं करने को सकता है? मिसेस डेविड बिल्कुल कर सकता है, चाहे तो मार भी सकता है, लेकिन अगर बेटा माफी मांग ले तो। मिसेस डेविड, आई एम सॉरी। हमको माफी मत मांगो, तुम सुधा को माफी मांगो। मालूम तुम क्या किया, उसका घर पे बॉटल फेंक के मारा, उसको लग जाता तो भी वो बेचारा छोकरी तुमको इधर में छोड़ के गया। चलो अभी जल्दी से हाथ मुंह धो, जल्दी से जाके उसको माफी मांग के आओ, जाओ। गॉड ब्लेस यू। मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। देखिए, अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या करता? आपकी भाभी की बातें चिंगारियां बनकर मेरे दिमाग में सुलग रही थी। सोचा था शराब से बुझा लूंगा, लेकिन सब कुछ उलट पुलट हो गया। कल नशे की हालत में गिर गए थे आप। नशा तो एक बहाना था, गिरा मैं कई बार हूं। तो अब संभल जाइए। मेरे संभलने ना संभलने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? और अगर फर्क पड़ता हो तो
ऐसे ही हंसते रहना। टूटे न प्यारा सपना दिल का इधर में भेजा और तुम स्टैचू का माफी खड़ा है। चलो माफी मांगो, कमॉन। माफी तो ये मान चुके हैं, लेकिन माफी तभी मिलेगी जब ये वादा कर लें कि आज के बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। That is good. बोलो हाथ लगाएंगा? नहीं। ओह, वो एसीपी का आदमी आया था, बोला तुमको घर भेजो, अर्जेंट में काम है। एसीपी साहब, आपको मिलने को कोई भवानी साहब आया है। भवानी? मेरे घर पर आने की हिम्मत कैसे की उसने? ठहरो। हमारी बातें घर की चौखट के बाहर ही हो तो बेहतर है। सुना था दो दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते, एक अस्पताल का और दूसरा पुलिस का। लेकिन ये मेरा घर है और इसी घर की चौखट पर लिखा है वेलकम, यानी कि स्वागतम। नमस्ते, इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। मैं जगपति भवानी, जिक्र चलता होगा कभी कभी मेरे नाम का। इस घर में सिर्फ भले लोगों का जिक्र होता है। देखा, भाभी भी नाराज, आप भी दुखी और मैं भी परेशान। और ये सब किसकी वजह से? सिर्फ उस लड़के अजय की वजह से, जो ना आपका कुछ लगता है ना मेरा। वजह वो लड़का नहीं, तेरे कर्म है भवानी, जो तुझे मेरी चौकट तक खींच लाए हैं। अरे हाँ, रात भर मैं भी यही सोच रहा कि बदनामी के इस दाग को किस तरह से धोया जाए। और अचानक मुझे ये ख्याल आया कि पैसा वो साबुन है जो बदनामी के हर दाग को धो सकता है। और यही सोचकर मैं साबुन नहीं, पूरी वॉशिंग मशीन ही उठाकर ले आया। जी हाँ बडुकलाल जी साहब, ले आओ। चलो उठाओ। चलो यहाँ रख दो, आराम से तुम लोग जाके बाहर बैठो। चलो चलो मैं आता हूँ। इस बक्से में इतने रुपए शिवचरण साहब, कि आप जिस थाने में काम करते हैं उसके सामने आप 50 माले की बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, जिसकी छत से आपका पुलिस स्टेशन, माचिस की डिबिया नजर आएगा। सबसे पहली बात, इस घर में सिगरेट पीना मना है। और दूसरी बात, गंगा भाई। जी साहब। गंगा भाई, ये साहब बक्सा भर के नोट लाए हैं मुझे रिश्वत देने के लिए। तुम इनमें से जितने नोट लेना चाहो ले सकती हो। सोच क्या रही हो? साहब, मैं इस घर में 11 साल से काम करती है। आप पुलिस में इतने बड़े अफसर हैं। कभी कभी मेरे को दो दो महीने के बाद पगार मिलता है, फिर इतना बक्सा भर के नोट तो हराम की कमाई होगी ना साहब।
मैं झूठे बर्तन मांझकर अपने बच्चे लोग को दो वक्त की रोटी खिला सकती हूँ, लेकिन ऐसे हराम की कमाई पर थूकेगी भी नहीं। सुन लिया भवानी, जिस पुलिस ऑफिसर के घर में बर्तन मांझने वाली का जमीर इतना बुलंद हो, उस ऑफिसर के ईमान की क्या कीमत लगाएगा तू? उठा इस कचरे को और दफा हो जाए यहां से, वरना रिश्वत देने का एक और जुर्म तुझ पर लग जाएगा। इस वर्दी में बहुत गर्मी होती है शिवचरण साहब, इसलिए समझदार ऑफिसर रिश्वत के छींटों से इसे ठंडा करते रहते हैं, वरना ही पहनने वाले को जला देती है। तो फिर इस वर्दी से दूर ही रहना भवानी, क्योंकि इस वर्दी के अंदर बारूद से बना हुआ जिस्म है, अगर उस जिस्म ने आग पकड़ ली तो वो धमाका होगा कि तेरे जिस्म के चीतड़े चीटियां तक नहीं ढूंढ पाएंगी। अब जा मंदिर में जाकर अपनी जिंदगी की दुआ मांग, क्योंकि मैं तेरी फाइल चीफ मिनिस्टर साहब के पास लेकर जा रहा हूं। गुड लक। गुड मॉर्निंग सर। व्हाट इज गुड अबाउट दिस मॉर्निंग? हाँ, तुम्हें 9 बजे आने को बोला था और अभी आ रहे हो। सर वो क्या हुआ कि देखो, जिंदगी में थोड़ा सीरियस होना सीखो। मैं जल्दी में हूं, सुमित्रा से जाके मिलो, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगी। ओके सर। जय भवानी। चलो डॉक्टर साहब। कैसे हैं वो? बस समझ लीजिए कि मौत के मुंह से वापस आ गए, लेकिन अभी उनकी हालत नाजुक है, खतरे की कोई बात नहीं है। हेलो भवानी साहब, आपके लिए एक बुरी खबर है, एसीपी शिवचरण बच गया। पान सर। नहीं बटुकलाल, तुझे एसीपी की खैरियत पूछने अस्पताल जाना है। सुनिए, मुंह खोलिए। तुम्हारे नसीब में मेरे साथ दुख झेलने के कुछ दिन और लिखे हुए हैं। जी, ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए, देखना आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाभी जी, कुछ ही दिनों में चंगे भले हो जाएंगे। वैसे जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। भाभी जी, मैं तो कहता हूँ इस मामले की इंक्वायरी ऊपर से होनी चाहिए। दिन दहाड़े एक पुलिस ऑफिसर पर जानलेवा हमला, ची 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 ची, शर्म की बात है। वैसे मेरे लायक कोई सेवा हो तो मैं हरदम हाजिर हूं। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते भाभी जी, चलता हूं। मॉर्निंग सर। अजय सर, मैंने अभी अभी भवानी के पीए को जाते हुए देखा, वो यहाँ आया था। हाँ, देखने आया था कि मैं जिंदा हूँ कि मर गया। इसका मतलब आप जानते थे कि आपको मारने में इन लोगों की साजिश थी। और कौन हो सकता है? तो फिर आपने इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या फायदा, वो अदालत में साबित कर देते कि इस हादसे में उनका कोई हाथ नहीं है, उनके खिलाफ कोई गवाही भी नहीं देगा, और फिर हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। Thank you.
जल्दी चलो। साहब साहब, ये आपका पान का डब्बा। की वजह से तुम्हारे साहब जिंदगी और मौत से अकेले जूझ रहे। आज वो इसके जुनून का शिकार हुए हैं, कल तुम्हारी बारी हो सकती है, और यही होगा एक दिन, क्योंकि मुजरिम उस सांप की तरह होता है जो भूख लगने पर अपने बच्चे तक निकल लेता है। तुम लोग तो फिर भी गैर हो, पाप की उम्र बहुत लंबी होती है साहब, लेकिन पापी की उम्र बहुत छोटी। मैंने ज्यादा किताबें तो नहीं पढ़ी साहब, लेकिन जिंदगी ने इतना जरूर सिखा दिया है, हराम की अय्याशी से इज्जत का फाका कहीं बेहतर है। इस वर्दी की आबरू और नीलाम मत करो साहब, आप इतने मोहताज नहीं कि ऐसी रोटी ना कमा सको जो ईमानदारी के आटे से बनी हो और सच्चाई की आंच पर पकी हो। कोशिश करके देखो, बहुत सुकून मिलेगा। तुम अपने आप को समझता क्या है मैं? तुम वो भवानी का घर में घुस के उसका लोग को मारा, उसको मारा, उसको घसीट के कुत्ता का माफिक पुलिस स्टेशन ले गया। हम मानता है कि वो बहुत हलकट आदमी, बहुत खराब आदमी, लेकिन तुमको ये सब लफड़े में पड़ने का क्या जरूरत है? अगर तुमको कुछ हो जाएगा तो मिसेस डेविड, पहले बताओ कि तुम नाश्ता किसका किया कि नहीं? अरे तुम छोकरा लोग का यही मुसीबत है। तुम बैठो, हम चाय पाव लेके आता है। एक तुम आजकल का छोकरा लोग अपने खाने पीने का ध्यान ही नहीं रखता। हमारा डेविड मालूम दिन में 5 बार खाना खाता होता, 2 बार नाश्ता करता होता और आखा दिन में 1 लीटर दूध पीता होता। छोकरा लोग आज तक 1 गिलास दूध पीता नहीं कि तुम लोग का जिल्ला फूट जाता है। हमारा डेविड खाने का बहुत शौकीन था मालूम, बीन का कड़ी भी हमारा डेविड को बहुत पसंद था, बांगड़ा फ्राई लाल चटनी का साथ। क्या देखता है तू? तुमको मालूम है ये क्या है? ये है ना, डेविड ने हमको सबसे पहले यही गिफ्ट दिया होता। चाहिए। अच्छा आज हम तुमको एक बात बताएंगा कि हमारा और डेविड का रोमांस कैसा हुआ। क्या हुआ ना, हम सर्विस करता होता तो जिस बस स्टॉप से हम सर्विस के लिए बस पकड़ता होता उसका बिल्कुल ऑपोजिट में डेविड का बेकरी था। वो उधर से रोज अपन को देखता, अपन को लाइन मारता, वैसे अपन को भी अच्छा तो लगता था वो। लेकिन अपन काय को बोलेगा, पहले उसको आना मांगता है कि नहीं, है ना, है कि नहीं? उसके बाद में क्या हुआ मालूम, एक दिन सुबह सुबह हम खड़ा था तो हमारे आजू बाजू में कोई भी नहीं था, हम अकेला था। उसने भी उधर से देखा और चांस मारा, उधर से उठा और उठ के हमारा बाजू में खड़ा हो गया, हमारा भी दिल धक 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 करने को लगा। अरे मैन, उसके बाद उसने ना ये गिफ्ट हमारा हाथ में दिया और हमको बोला तुम्हारा वास्ते, ऐसा बोल के भाग गया। अरे सीधा भाग गया, हम चिल्लाए ए मैन ए मैन, उसने आगे देखा ना पीछू भाग गया। उसके बाद ना हम घर पहुंचा, घर पहुंच के हमने ये गिफ्ट देखा, हमको बहुत क्यूट लगा। और ये देखो इसका पीछू में क्या लिखा है, आई लव यू। अच्छा आइडिया है ना पटाने का। अगर लाइफ में तुम्हारे को भी किसी से रोमांस हो जाएगा और तुम्हारा बोलने का हिम्मत नहीं होएगा ना, तो हमारा डेविड का आइडिया वापरना, बेस्ट है। फटाक से रोमांस और झटाक से शादी हो जाएगा। अरे उसका दूल्हा तो बस देखने जैसा था, खूब चुनकर ढूंढा है मास्टर जी ने। अरे बिमला के तो समझो भाग ही खुल गए, तू भी आके तो कितना मजा आता। चाय पिलाओ चाचा।
एक मिनट, तू कभी आए ना ऐसा सवाल, ओ जाने जा तू।
सुधा कहाँ से आया है? मैं पूछती हूँ कहाँ से आया है? भाभी वो अजय ने। अच्छा तो अब नौबत तोहफों के लेन देन तक आ पहुँची है? नहीं भाभी। कब से चल रहा है ये चक्कर? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। झूठ बोलती है। कल मुही बहुत उबाल आ रहा है ना तेरी जवानी में, तो भूल जाके तू क्या है और तोड़ दे धर्म और समाज के कानून और कर ले उसके साथ मुंह काला। बेहया निलज कहेगी, शर्म नहीं आई तुझे? जा अभी के अभी तो उसके मुंह पे मार के जा। मैं आपका तोहफा लौटाने आई हूं। क्यों? क्या इतना हक है कि इस इनकार की वजह पूछ सकता हूं? मैं इस तोहफे के लायक नहीं हूं। झूठ बोल रही हो तुम। सच तो यह है कि तुमने मुझे कभी अपने प्यार के काबिल ही नहीं समझा। नहीं नहीं अजय बाबू, ऐसी बात नहीं है। यही बात है, वरना तुम मेरे प्यार को इस तरह ना ठुकराती। सुधा, मैं तुमसे वादा करता हूं सुधा कि जिंदगी की हर खुशी तुम्हारे कदमों पर लाकर रख दूंगा, तुम्हारी एक मुस्कुराहट के खातिर अपनी जान तक लुटा दूंगा। बस मुझे एक मौका दो सुधा। अजय बाबू, जो खुशी आप मेरी झोली में डालना चाहते मैं इसके काबिल नहीं हूं, और ना ही ये समाज मुझे इस बात की इजाजत देता है, क्योंकि जिस बात के सैलाब में बहते वक्त मैं ये भूल गई थी। कि मैं एक विधवा हूं। ये दुख तो मेरा मुकद्दर बन चुका है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मुकद्दर बदल भी सकता है। लाशों के मुकद्दर नहीं बदला करते अजय बाबू। तुम लाश नहीं हो सुधा, एक जीती जागती लड़की हो जिसके सीने में दिल भी है, जज्बात भी और अरमान भी। हाँ, और एक जिस्म भी है जिसके साथ तू खिलवाड़ करना चाहता है। आंखें किसे दिखा रहा है? किसे दिखा रहा है ये बड़ी बड़ी आंखें? आओ बस्ती वालों देखो, एक विधवा की अपने आशिक के साथ रचाई रासलीला देखो। क्यों मेरा तमाशा बना रही हो भाभी? तमाशा तो तू बना रही है कल मुही। अरे शर्म के गहने तो तूने बहुत पहले उतार दिए थे, इस शरीर पे जो दो चार कपड़े बचे हैं ना इन्हें भी उतार दे, ताकि ये तेरी जवानी की ज्वाला को शांत कर सके। बस करो कामनी, ये कैसा बात करता है मैं तुम, और ये किसका इज्जत उतारता है? ये तुम्हारा ननंद है, बेटी का माफी। अरे बेटी होती ना तो कब का गला घोट देती जन्म चली का। गॉड का वास्ते चुप हो जाओ तुम। अरे क्यों चुप हो जाऊं, मैं तो छाती ठोक कर कहूंगी ये सब तुम्हारा किया धरा है मिसेस डेविड, और रखो गुंडे मवाली को अपने घर में जो
क्या बोला तुम? हम एक पेइंग गेस्ट क्या रख लिया, तुम उसको हमारा धंधा बोलता है? हाँ, और नहीं तो क्या? अच्छा तो थैंक्स बोलो, बोलो थैंक्स हमारा इस धंधा को। हाँ। थैंक्स बोलो हमारा इस पेइंग गेस्ट को जिसने तुम्हारा ठोकरी का इज्जत बचाया, वरना आज किधर में मुंह दिखाने का लायक नहीं होता था। उस भेड़िए के मुंह से बचाया हमारा पेइंग गेस्ट ने। हाँ, भेड़िए के मुंह से बचाया और अब खुद मुंह मार रहा है इससे। ये सब सुनने से पहले मर के रहेगी। पागल हो गई हो तुम? आत्महत्या करना पुस्तली है और मैं दुनिया वालों को तुम्हें कायर कहने का मौका नहीं दूंगा। मैं पूछता हूं, कौन सा पाप, कौन सा गुनाह किया है इसने? किस जुर्म की सजा दी जा रही है इसे? क्या एक विधवा को दोबारा जिंदगी बसाने का हक नहीं? क्या उसे भी हंस खेल कर जीने का हक नहीं? अगर ये समाज इसे इस बात की इजाजत नहीं देता तो ठोकर मारता हूं मैं इसे समाज को। आज मैं सबके सामने भगवान को साक्षी मानकर इसे अपनी पत्नी बनाने का ऐलान करता हूं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जल्दी आइए और हमारी इज्जत को लुटने से बचाइए। एसीपी साहब देखिए, वो कमीना क्या गजब गा रहा है, एक विधवा की मांग में सिंदूर भर रहा है। रुक जाओ अजय, मैं कहता हूँ रुक जाओ। तुम जबरदस्ती इस विधवा की मांग में सिंदूर नहीं भर सकते। एसीपी साहब, या तो ये सिंदूर सुधा की मांग भरेगा या फिर मेरा हाथ कटकर जमीन पर गिरेगा। देखो अजय, मुझे मजबूर मत करो, फेंक दो इस सिंदूर को। आप अपने फर्ज से मजबूर हैं और मैं अपने वचन से। बेटे, मैं तो तुम्हें आजमा रहा था, आज तुमने यकीन दिला दिया कि तुम्हारे हाथ दूसरों पर उंगलियां उठाने के लिए नहीं बल्कि किसी की जिंदगी संवारने के लिए बड़े हैं। ये लोग क्या जाने कि एक विधवा को जीने का अधिकार देना कितना बड़ा पुण्य है। भाभी तो मां समान होती है और तुम ये फर्ज नहीं निभा सकी, लेकिन मैं इनका पिता बनकर इन दोनों को आशीर्वाद देता हूं। आज के बाद अगर किसी ने इन दोनों पर आंख उठाने की जरूरत की तो वो शिवचरण का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। क्या है सर? कमिश्नर साहब ने आपके लिए इंपॉर्टेंट फाइल भेजी। ठीक है, मैं उसे देख लूंगा, तुम जाओ, सदा सुखी रहो। सर थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Thank you.
अरे जाई रे जाई, तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाओ राय के तेल जैसा। चाई रे चाई ओ चाई, चाई रे चाई ओ। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब्जी, मैं अजय का दोस्त टॉनी। अजय कहाँ है? वो उड़न छू गया, अभी आपके हाथ आने वाला नहीं है, वो गया। क्या मतलब? वो तो मौके की तलाश में था। 1 2 का 4। ए, सीधा सीधा बोल, कहाँ है अजय? हम बताता है ना साहब, जैसे तुम उनका बाप बनकर उनका शादी बनाया, उनको ब्लेसिंग दिया, वैसे हम उनका माँ बनकर उनको हनीमून पे भेज दिया। पपिया जफिया पाले हम, अखियों के पेच लड़ा ले हम। आप पपिया जफिया पाले हम, अखियों के पेच लड़ा ले हम। आप पपिया जफिया पाले हम, अखियों के पेच लड़ा ले हम। दिल में है खलबली वो मेरी चुलबुली, खुल के मिले आज हम। जफियां पाले हम, अखियों के पेच लड़ा ले हम। पपिया जफियां पाले हम, अखियों के बीच लड़ा ले हम।
कितनी खूबसूरत जगह है ना? अच्छा देखो कितनी अच्छी ड्रेस है, मुझे ले दो ना। ले दूंगा, पहले सिर्फ पप्पियां जफिया तो पा रहे। वो देखो ना। क्या यार, दूसरी बार भी हनीमून के लिए यहीं आएंगे? हा? दूसरी बार क्यों, हर साल यहीं हनीमून मनाएंगे। क्या हुआ? अरे चीट। ओके आई एम नॉट ईटिंग नाउ। लो आई डोंट। लो आई डोंट वांट। लो बाबा। आ आ आ आ पीले मुन्ना पी। बेटा संभल के बैठना, हम लोग आ रहे हैं। बाय। कौन कौन? वो गाड़ी में देखो ना। वो बच्चा इसकी तो वो बंदी कितना अच्छा था ना। ए छुटके, मेरी बीवी पे लाइन मारता है? नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था अंकल। आंटी बहुत अच्छी है, आइसक्रीम की तरह रहा। साले आइसक्रीम खाएगा? आइसक्रीम खाने के लिए तो तारीफ कर रहा था। बदमाश। रुक लाता हूँ। साला दौड़ती बच्चा, आइसक्रीम लेकर आता। अपना भी ऐसा होगा क्या? शर्माती क्या है?
भैया आपने मेरी गोद उछलने से बचा ली, आप तो मेरे लिए भगवान। क्या कर रही हो? बहुत एहसान है तुम्हारा भैया। ठीक कहते हो बेटा, वरना दूसरों के लिए अपनी जान की बाजी कौन लगाता है। अरे तुम बहुत खुश नसीब हो बेटी, जो तुम्हें इंसान के रूप में देवता मिला। क्या बहादुर लड़का है, जान पे खेल के बचाया उन बच्चों को। भगवान हर माँ को ऐसा बेटा दे। देखो अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी इसने बच्चों की जान बचाई है। जुग जुग जियो बेटा। भगवान आज मैंने वो काम किया है जिसके लिए मेरा फर्ज मुझे इजाजत नहीं देता। एक मुजरिम को गिरफ्तार करने के बजाय उसे आशीर्वाद देकर आ रहा हूं, और इसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि एक मुजरिम के अंदर इंसान को करवट लेते हुए देखा मैंने। अब उस लड़के अजय को ऐसी शक्ति दे कि वो सच्चाई की डगर पर चल सके। अरे भाई पूजा पे बैठिए, शगुन का समय निकला जा रहा है, मुझे और भी जगह पूजा पे जाना है। जी पंडित जी। टोनी जरा पंडित जी का टाइम पास कर। ठीक है ठीक है। पंडित जी आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। हम रमाकांत गड़गड़े के पास मिले थे। अच्छा। उनके पूजा में आपने हवन किया था उनके गैरेज में। अरे कमाल कर दिया, अपने शुभ हाथों से जो हवन किया था आपने। अरे बाप राज, उनकी 25 फैक्ट्री है। अच्छा? हाँ। तो भगवान की कृपा। भगवान की कृपा कहाँ, भगवान का बड़ा आपका बड़प्पन है जो भगवान का नाम ले रहे हैं आप। ये जो आपने हवन किया तो भगवान को मनवा के आपने अपना हांडा 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 के यहाँ जो पूजा किया आपने ढाबा में। हाँ। है पूजा किया आपने, हवन किया, उसके दूसरे दिन ही उसके नीचे एक हांडा मिला, हीरे मोतियों का हांडा। आज पता है कहाँ है वो हांडा? युगांडा। अच्छा? हाँ, वहाँ हीरो हांडा का बड़ा शोरूम बनाया है, वहाँ हवन के लिए बुलाएंगे आपको। है ना, बड़ी कृपा है महाराज आपकी। एक टोनी बहुत चालू है, उल्लू बनाता है पंडित को। मैं तो कहता हूँ प्रभु पंडित जी आप ऐसी कृपा यहाँ कर दीजिए, ऐसा हवन कर दीजिए कि हमारे जो गुरु हैं इनके 25-30 गैरेज हो जाए। भाई भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाए। अरे भगवान की तो कृपा है पर पंडित जी क्या बात है, अरे आपके हाथों में तो शक्ति है, बड़े भाग्यवान है आप। ये देखिए पांच उंगलियां, ये पांच उंगली के बाद ये छठा जो बच्चा है, अरे रे रे रे, इसको जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ये छठवा है, जैसे क्रिकेट में सिक्सर बोलते हैं इसको हमारी भाषा में बोलते हैं दर्द सर। दर्द सर, इसके कारण कभी कभी आपके सर में दर्द भी होता होगा। पंडित जी कमाल है, देखिए पैर छू रहा हूँ, बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं। देखिए आप इतने ऊपर जाएंगे कि किसी को नजर नहीं आएंगे। बहुत भाग्यशाली हाथ है। और देखिए गुरु की गोद में शनि बैठा है, परेशान कर रहा था चला गया। पहले आपका शुक्र मलाड में था, गुरु वर्ली में था, और ये जो मंगल है वो जंगल में था। साहब जी आगे, साहब जी आगे। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आइए सर। सॉरी आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। ये जरा फाइल पकड़ना। वेलकम वेलकम, कैसा है? अच्छी। नमस्ते जी। नमस्ते। आ जाइए। चलो बैठिए सर। यहाँ जाइए। लो बैठिए बैठिए। क्या हुआ? रुमाल रुमाल है, रुमाल है आपके पास? नहीं नहीं, चलो उधर बैठो। हाँ जी पंडित जी। जी शुरू कीजिए। नारायणाय नमो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम चंद्रमसे नमो नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम बुद्धवे नमः स्वाहा। ओम शुक्रवे नमः स्वाहा। ओम शनिवे नमः स्वाहा। ओम पूर्णेति पूर्णमिदं स्वाहा। ओम गणानन्तः गणपति गुंग वामहे। ये क्या कर दिया सर आपने? एक मुजरिम जो सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ा है उसका अतीत जला दिया है मैंने। अगर कोई इंसान बुराई का रास्ता छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर चल पड़े तो क्या कानून उसे माफ कर सकता है?
कानून से बड़ी अदालत आत्मा की होती है और आत्मा का फैसला हर फैसले से बड़ा और अटल होता है। मैंने भी अपनी आत्मा की आवाज सुनकर ही यह फैसला किया है। भगवान करे तुम्हारा हर काम सफल हो, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। समझा? ले। बड़ा पाव देखो, पूरा काला तेल पाव हो गया। न खुद खाता है न पीता है न औरों को खाने देता है। क्या है? चिल्ला मत। क्या के दूसरी गाड़ी में देख पेट्रोल है कि नहीं, डिलीवरी देनी है। हाँ देखता हूँ। 7:11 का पाना देख। हेन का टका सो रहा है। चल सुनियो। क्या है कि मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो मरीज खुद बताता है कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे पीठ में दर्द है, मेरे मुंह में दर्द है, मुझे उल्टियां हो रही है, मुझे जुलाब हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ इसे क्या हो गया है, क्या हो गया है? ओ यार ये चटके दे दे के बंद पड़ गई है यार। बंद पड़ गई। मिर्गी मिर्गी खोलो खोलो बोनट खोलो जल्दी खोलो बोनट खोलो फौरन खोलो जल्दी खोलो। मुर्गी इंजन कहाँ है? मिर्गी तो मुर्गी इंजन किधर है? मैं भी हैरान हूँ इंजन किधर है। अरे मैं तो परेशान हूँ कि गाड़ी यहाँ तक आई कैसे। मैं खुद चला के लेके आया इसे यार। आप खुद चला के लाए? हाँ जी। जरा याद कीजिए रास्ते में कहीं यहाँ वहाँ तो नहीं गए आप? और नहीं यार सवाल ही नहीं पैदा होता यार। अरे भाई ये बम्बई है, नजर जरा फिरी तुम इंजन गुल। अच्छा हाँ। ऐसा भी होता है? ऐसा होता ही है। ये गाड़ी किससे ली आपने? ये परसों ली है, विदेशी गाड़ी है, अंग्रेज से ली है, इम्पोर्टेड है। परसों ली है? अंग्रेज से ली है, इम्पोर्टेड है, विदेशी है। शर्मानी चाहिए हम लोगों को, विदेशी गाड़ियां खरीदते हैं, हमारे यहाँ गाड़ियां नहीं बनती है। देश दिन ब दिन तरक्की किया जा रहा है और हम लोग पीछे पीछे, इम्पोर्टेड गाड़ियां। शर्मानी चाहिए आपको, अंग्रेज से ली है। अरे भगत सिंह जी अंग्रेजों को भगाते भगाते फांसी पर चढ़ गए। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी हमेशा यही कहते आए हैं, देश के लिए जियो, देश के लिए मरो, देश ही सब कुछ है, देश के रहो, देश की खरीदो। मगर हम अंग्रेज अंग्रेज पीछे रह गए हम लोग। जिसमें इंजन नहीं है वो इम्पोर्ट गाड़ी है। अरे ये गाड़ी मेरी होती तो खंडर घाट में ले जाता, ढकेल देता। तू ऐसी गाड़ी पर अंग्रेज बने हुए हैं, इम्पोर्टेड गाड़ी। हट। ये मैं की कर बैठा? शर्म आनी चाहिए मैंने, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं पूरी गाड़ी खोल जाऊंगा, गाड़ी खोल दूंगा। हैंडल लिया, इम्पोर्टेड हैंडल गाड़ियों का काम मुझे नहीं मालूम है। विदेशी गाड़ी लेके आए, बोले मालूम है कहाँ इंजन, और फोड़ दे बगैर इंजन की गाड़ी, फोड़ दे। घंटा क्या गैरेज से इन गाड़ियों से पाना वाना, फोड़ दे, गैरेज तोड़ दे, तोड़ इंजन दे दे, तोड़ दे तोड़ दे। ओए हाँ ये रहा इंजन। इंजन इंजन कहाँ से आ भाई? पापा जी एक मिनट देखो, इस गाड़ी का यहाँ है इंजन। बापरे भर गए पापा जी, जब पता ना हो कि कहाँ है इंजन, न खरीदो ऐसी गाड़ी प्यारे इंडियन। इसीलिए कहता हूँ बी इंडियन बाय इंडियन। 9 बजे का शो है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुआ? अरे बिगिनिंग नहीं देखेगा तो मजा नहीं आएगा ना। मैं तो कब से तैयार हूँ मिसेस डेविड, बस उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। अरे वो आने वाला नहीं है, लिख लो तुम। अरे सुकान खुजाने का फुर्सत दे, तुम बात करता है। ए टोनी काय को फालतू का बात बोल के हमारा बेबी का दिल दुखाता है। हाँ अजय ने उसको प्रॉमिस किया है कि वो उसको 9 बजे का पिक्चर दिखाएगा, उसको डिनर में लेके जाएगा, है ना? अरे सवाल इतने उठता है क्यों? अरे सिस्टर देखो मैं क्या बोलता हूँ, जो आदमी दिन रात दारू पीता है उसको क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक। और जो आदमी दिन रात काम करता है उसको क्या बोलते हैं? वर्कोहलिक। वर्कोहलिक बस।
अपने गुरु को वर्कहोलिक हो गया है, वो आने वाला नहीं है। अरे कैसा नहीं आएगा? अरे भाभी मेरे को बहुत भूख लगा है, पहला मेरे को खाना खिला दो बस। अरे कैसा? अरे रुको मैं, तुम किधर जाता है? किचन में टोनी को खाना देने। उसको हम खाना खिला देंगे। तुम एक बात हमारा ध्यान से सुनो, हमारा जो डेविड था ना, वो भी ऐसे करता था, काम में सब कुछ भूल जाता था, सब कमिटमेंट भूल जाता था। हम भी कमती नहीं था, हम भी उसका काम पे पहुंच जाता था और दो चार ऐसा पोज मारता था कि डेविड खल्लास हो जाता था। अरे जल्दी से शटर डाउन करके हमारा साथ में निकलता था। तुम समझ गया ना हम क्या बोलना मांगता? ये मर्द लोग को कंट्रोल में करने का वास्ते थोड़ा दो चार पैर पैपरा मारना मांगता। तुम समझ गया ना? समझ गई। अरे समझ गया तो खड़ा काय को, जल्दी से जाओ उसका भी शटर डाउन करो। गो मैन गो, जाओ ना। सिस्टर मान गया तुमको, यू आर ग्रेट। थैंक यू थैंक यू। तड़पाए दिल, घबराए दिल, अब
कैसा घबराना, मैं तेरा दीवाना। मैंने प्यार किया तुझे, दिल ये दिया इकरार किया खुले, हम प्यार के दीवाने, बस दिल की बात माने। एक लड़की है, एक लड़का है, चुप चुप के मिलते हैं, क्या बातें करते हैं। सारा शहर ये जाने हम प्रेम दीवाने, हमें डर नहीं दुनिया, हम प्यार के दीवाने, बस दिल की बात माने। हम प्यार के दीवाने, बस दिल की बात माने। अरे अजय, तुमको मिलने का वास्ते कोई आया, हम ऊपर में बिठाया उसको, जरा देखो तो कौन है। अच्छा मिसेस डेविड। सुधा जी, हम उसके लिए चाय बिस्कुट बनाया, तुम लेके जाओ। अच्छा। क्यों शुभा, मेरे को देख के खुशी नहीं हुई तेरे को? नहीं अन्ना, ऐसी बात नहीं है। तो आ, अन्ना के गले लग जा, आजा मेरे बच्चे शिवा, आजा। मेरे को बहुत खुशी हुई कि तूने घर बसा लिया, लेकिन मेरे को दुख भी हुआ कि तू अन्ना को भूल गया। चल कोई बात नहीं, अब मैं तेरे को लेने आया हूँ, अपना सामान बांध और मेरे साथ चल। नहीं अन्ना, अब ये मुमकिन नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मजाक करने की आदत गई नहीं तेरी? अरे अन्ना की दुनिया तो बहुत उदास है रे तेरे बगैर। चल वापस चल शिवा। मेरा नाम शिवा नहीं, आप अजय हैं। नाम के साथ साथ पेशा भी बदल दिया है मैंने, हथियार की जगह औजार और खून की जगह पसीना बहाना सीख लिया है। हाँ मेरे को मालूम है, इधर इस बस्ती में तूने एक गैरेज खोल रखा है, गाड़ी की रिपेयरिंग करता है तू। लेकिन अपन का लाइफ भी कोई गाड़ी का इंजन नहीं, जो बिगड़ जाए तो रिपेयर हो जाए, चला तो चला, नहीं तो स्क्रैप। देखो अन्ना, मैं बहस नहीं करना चाहता, मैंने अपना फैसला सुना दिया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ, अपन लोग की गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं होता। हाँ, इसलिए सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूँ, नहीं लौटना मुझे उन रास्तों पर जिस पर बेगुनाह इंसानों की लाशें खून से लिथड़ी पड़ी हो, नहीं लेना उस हवा में सांस जिस हवा में बारूद का धुआं शामिल हो। अन्ना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मजबूर मत करो, प्लीज चले जाओ यहाँ से। क्या बोला तू? मैं चले जाओ यहाँ से? मेरे को बोला तू? मेरे को बोला? अरे तू जब रोता था ना, तो तेरी रोने की आवाज नहीं निकलती थी तेरी अलग से, ऐसे मरेले हालत में कोई कचरे में फेंक के गया था तेरे को, मैं उठाया तेरे को, अन्ना उठा के पाला तेरे को। बच्चा जब बोलने लगता है उसके मुंह से पहला वर्ड अम्मा निकलता है, लेकिन तेरे मुंह से अन्ना निकला था, अन्ना निकला था, अन्ना। इतना प्यार दिया मैंने तेरे को और तू मेरे को बोलता मैं चले जाऊं यहां से? अरे दो वक्त जोरू के हाथ का रोटी और चार रात उसके साथ सोने को क्या मिल गया? अन्ना को भूल गया तू? अन्ना को? मैं जानता हूं अन्ना, मेरी जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे एहसानों का कर्जदार है, यही कर्ज था जिसकी खातिर जो कुछ तुमने मुझसे कराया मैं करता चला आया, लेकिन अब मुझे जीने का मकसद मिल गया है, मैं जीना चाहता हूं अन्ना, एक नेक इंसान बनकर, अपनी खातिर, अपनी बीवी की खातिर। अच्छा तो तू इसके लिए जीना चाहता है? याद कर शिवा, जिस आदमी के घर पे तूने पैसे भिजवाए थे वो कोई और नहीं, तेरे औरत का पहला मर्द था। अब तू जीना चाहे भी तो जी नहीं सकेगा, क्योंकि जिसके मांग में तूने सिंदूर भरा है ना, उसका मांग उजाड़ने वाला भी तू है, उसका पहला पति रवि मल्होत्रा का कातिल तू है, उसको विधवा बनाने वाला तू है, तू है, तू है, तू है। उसका सुहाग उजाड़ने वाला तू है, उसको विधवा बनाने वाला तू है, तू है शिवा, तू, तू, तू। पुलिस से क्यों भाग रहा था? बोल, पुलिस से क्यों भाग रहा था? बोल, पुलिस, पुलिस।
मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। ही करनी का फल है नेकी और रुस्वाइयां, आप ही के संग चलेंगी आपकी परछाइयां। ए मैं, तुम काय का वास्ते मुंह लटका के खड़ा है? अरे तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा गुड न्यूज आज हम तुमको देंगा, तुम फादर बनने वाला है। यस फादर, और हम दादी। अरे हमारा तो दिल करता है कि जोर से नाचेंगे, गाएंगे, चिल्लाएंगे कि हम दादी बन। मिसेस डेविड, हॉस्पिटल में शोर मचाना मना है। सॉरी सॉरी। कांग्रेचुलेशंस, जश्न तो हम सब मिलकर कल बस्ती में मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे। आज रंगीनियों का मौसम है, ऐसे बहको के नशा छा जाए, खुशियां नाचेगी दिल की महफिल में, ऐसे झूमो के मजा आ जाए। अकरकरम तो कता आना चे चा चा चा, हे अकरकरम तो कता आना चे चा चा चा, तू मेरी चिलगोजी मैं तेरा चिलगोजा, अकरकरम तो कता अन्ना चे चा चा चा, तुम मेरी चिलगोजे मैं तेरा चिलगोजा, अगर अक्रम तो कता अन्ना चे चा चा चा। फसाना है तोता बोला गुमसुम क्यों, मैं ना बोली डरती हूँ, तोता बोला तो लैला प्यार किया तो डरना क्या, अगर अकरम तो कता आना चे चा चा चा, तू मेरी चिलगोजी मैं तेरा चिलगोजा। तुझको चाहे हो ना हो मुझको तो मोहब्बत है, अगर अकरम तो कहता आना चे चा चा चा, तुम मेरी चिलगोजी मैं तेरा चिलगोजा। Chel chabili, chel chabili, chel chabili, chel chabili.
ढक्कन चुका था, आना चे चाचा चा, तू मेरी चिलगोजी, मैं तेरा चिलगोजा। अगर अक्रम तो खाता आना चे चाचा चा, तू मेरी चिलगोजी, मैं तेरा चिलगोजा। अगर अक्रम तो खाता आना चे चाचा चा, तू मेरी चिलगोजी, मैं तेरा चिलगोजा। अभिशाप और क्या होगा मेरे लिए कि जिसने मेरा सुहाग उजाड़ा, उसने मेरी मांग भरी। मेरी बदकिस्मती है ये कि एक कातिल के खून का खतरा मेरी कोख में पड़ रहा है। जी तो चाहता है कि जन्म से पहले ही इसे मार डालूं, लेकिन क्या फर्क रह जाएगा तुम में और मुझ में? मैं तुम्हारी तरह खूनी नहीं हूं। ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, ऑफिस से घर आ रहे थे, अचानक कार उड़ाकर चली गई। एक्सक्यूज मी, केस बहुत सीरियस है, हमें दूसरे अस्पताल से सर्जन को बुलाना होगा। आप 30-40 हजार रुपए जमा करवा दीजिए। 30-40 हजार रुपए? इतने रुपए कहाँ से आएंगे? आप फिक्र मत कीजिए, महेश भैया के इलाज के लिए मैं अपना घर आज तक भेज दूंगा। साहब इसको मत तोड़िए साहब, ये हम गरीबों की रोजी रोटी है साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ साहब। तेरे को बोला ना बीच में नहीं आने का, नहीं तो तुम्हें भूखा हो जाएगा। चला यहाँ से। नहीं मिस्टर, खबरदार जो हमारे काम में दखल देने की कोशिश की तो मैं समझता हूँ तुम्हारा ये गैरेज अनऑथोराइज्ड है और इसका डिमोलिशन ऑर्डर है हमारे पास, ये देखो। मगर साहब एक ड्राइवर एक दो 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 गजब हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया। म्युनिसिपैलिटी वालों ने अपना गैरेज तोड़ दिया, मैंने उनको बहुत समझाया गिराया कि मत तोड़ो, कहते हैं गैर कानूनी है। कोई माइकलाल जो अपने बाजुओं की ताकत आजमाना चाहता है? अरे है कोई जवान जो इस कोलास से टकराने की हिम्मत रखता है? अरे है कोई जवान मेहरबान कदरदान जो इस पहलवान को हराएगा वो 20,000 रुपए कमाएगा? अरे है कोई मर्द? मैं लड़ूंगा। हाँ मैं लड़ूंगा। तू लड़ेगा? मैं लड़ूंगा इस मिट्टी के लाल से। ठीक है, आ अंदर आ, आजा। हाँ? कपड़े बदल के आना। इसके 35 मिलेंगे, ये लीजिए। Thank you.
से देखो देखो। नहीं नहीं फॉल नहीं मैं रुको नहीं इधर आओ सिस्टर आओ। जीतने के 20 हारने के 40 मिलेंगे। मेरा पहलवान नहीं हारना चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं हारने के 40,000 दूंगा। 30-40,000 रुपए, इतने पैसे कहां से आएंगे गुरु? क्या ठीक है, पैसे इसको दे देना। ए मैन, तुम कैसा बात करता है? पूरे 40 गिन ले। अब अगला राउंड पानी में होगा। बाप मारने के लिए नहीं, मार खाने के लिए। हो ये डिपॉजिट के पैसे? अब इसकी जरूरत नहीं है मैडम, आपके पति ने तो पैसे भिजवा दिए हैं। क्यों लिए आपने पैसे? जी आपके अस्पताल में मेरा भाई एडमिट है, मेरे पति का। सुधा ये कैसा बात करता है मैं तुम? पैसा तुमने दिया अजय ने दिया, एक ही बात है ना? नहीं मिस डेविड, बहुत फर्क है। क्या? इधर आओ मैन, क्या हुआ है? तुम हस्बैंड एंड वाइफ में क्या टेंशन चलता और किस बात का झगड़ा है? हाँ अरे अजय तो कितना अच्छा छोकरा है, तुमको तो अपना तकदीर पे नाज करना मांगता, लोग अपनों के काम नहीं आता और अजय तो दूसरों का वास्ते अपना जान देता है। मिस डेविड, वो जान देता नहीं, जान लेता है। मेरे भाई के इलाज के लिए उसने जो पैसा डिपॉजिट किया है, न जाने किसका खून बहा के लाया है वो। हाँ खून तो जरूर बहा है, तुम जानना मांगता है ना कि किसका खून बहा है? हम बताएगा तुमको, बताएगा कि किसका खून बहा है। चलो लिया है सन, क्या समझते हो तुम? चंद खतरे खून के बहाने से तुम्हारे सारे गुनाहों के दाग खुल जाएंगे। हमारा दिल बोलता है, ये तुम्हारा दिल बोलता है ना मिसेस डेविड, क्योंकि तुम्हारे पास दिल है। लेकिन जिन लोगों ने मुझे जन्म देकर कचरे के डब्बे में फेंक दिया, उनके पास दिल नहीं था। अन्ना जिसने मुझे पाला पोसा, दिल उसके पास भी नहीं था। भला बुरा सही गलत इन शब्दों का तो माँ बाप बताते ना मिसेस डेविड, या फिर स्कूल मास्टर। लेकिन मेरा तो स्कूल भी अन्ना, सबक भी अन्ना और मास्टर भी अन्ना। न जाने कितने खून कितने गुनाह करवाए उसने इन हाथों से,
और तो और सुधा के पहले पति की मौत का कारण भी मैं ही हूं। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी भाभी। कैसी बातें कर रही है तू? आज करवा चौथ है, आज के दिन तो हर औरत अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और तूने व्रत नहीं रखा। आपके इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं भाभी। लगता है अजय से कोई तेरी खटपट हो गई। लेकिन पगली, नाराजगी का मतलब ये नहीं कि तू अपने संस्कारों को भूल जाए। सच पूछ तो मेरा व्रत भी अजय के दम से है। अगर वो तेरे भैया की जिंदगी नहीं बचाता तो शायद तेरी भाभी के शरीर पर सुहाग का जोड़ा नहीं होता। तुझे तो गर्व होना चाहिए कि तुझे पति नहीं देवता मिला है, देवता। अरे ये इस बात हम इस छोकरी को दिन रात समझाता है कि इसका आदमी ग्रेट है, नसीब वाले को ऐसा आदमी मिलता है। कम ऑन बेबी, अब तुम तैयार हो जाओ। तुम प्लीज मिस्टर डेविड, मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए प्लीज। ये तुझे क्या हो गया है सुधा? मैंने कहा ना भाभी, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। लेकिन क्यों? ये मेरा जाती मामला है। ये तुमको क्या हो गया है सुधा? ऐसा ऐसा बात करता है क्या अपना भाभी से? और क्या गलत बात बोला वो? तुम्हारा धर्म में तो पति को भगवान मानता है और आज भगवान 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 जिसे आप लोग अपनी पलकों में सजाए बैठे हो, वो मेरी पूजा तो क्या किसी के नफरत के काबिल भी नहीं है। खिलवाड़ हुआ है मेरे साथ, खिलवाड़। चुटकी भर सिंदूर की जगह पाप के अंगारे और मंगलसूत्र की जगह अपने गुनाहों की रस्सी लपेट दी है उसने। हे कुनी, हे कातिले, मांग भरी है मेरी। और अब कहते हैं ऐसे आदमी की लंबी उम्र के लिए व्रत रखूं मैं? अरे इससे तो अच्छा है कि मैं अपना आपका गला घोंट दूं। नहीं सुधा, कह दे कि ये सब झूठ है। यही सच है भाभी, न जाने कितने लोगों के खून से हाथ रंगे हैं उसके। और तो और भाभी, रवि का भी खून उसी ने किया। सुधा, हम तुम्हारा तकलीफ को समझता, क्योंकि हम भी ऐसा पेन से गुजरा। तुमको क्या लगता हम रात दिन ये डेविड डेविड काहे को करता? क्योंकि आज हमको हमारा गलती मालूम पड़ता कि हमारा डेविड का खून का जिम्मेदार हम है। हम उसको बहुत प्यार करता था। शादी के बाद जब हमको मालूम पड़ा कि हमारा डेविड एक क्रिमिनल था, वो जेल जा चुका था, बस हमारा प्यार नफरत में बदल गया। उसने हमको बहुत समझाया कि देखो हम ये रास्ता छोड़ दिया, अब हम क्राइम नहीं करता है। लेकिन हम उसके बाद का भरोसा ही नहीं किया। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही नफरत करता था हम उससे, जैसा आज तुम अजय से करता। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ मालूम? हमारा डेविड ने सुसाइड कर लिया। यस, आत्महत्या कर लिया हमारा डेविड ने, खाली हमको बताने का वास्ते कि अब उसने गुनाह का रास्ता छोड़ दिया है। तब जाके हमको अक्कल आया कि एक आदमी अक्खा दुनिया से लड़ सकता है, मगर एक औरत का नफरत कहां के हार जाता है। नो बेबी, तो तुम हमारा माफी गलती मत करना। आज अजय को तुम्हारा प्यार तुम्हारा सहारे का जरूरत है। अगर तुमने उसको ठुकरा दिया तो उसका जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाएगा, लेकिन तुम्हारा लाइफ में भी कुछ नहीं बचेगा। मान जाओ सुधा, अपना पति का वास्ते ना सही, उस मोटर मैकेनिक का लंबा लाइफ का वास्ते दुआ करो जो तुम्हारा होने वाले बच्चे का बाप है। मिसेस डेविड, सुधा को भवानी का भाई उठा के ले गया, उसका जान खतरे में है, तुम उसको बचाओ।
हमारा फिक्र मत करो, ये सब है ना, तुम जाओ। वाह 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 भजन सिंह जी, वाकई आपकी राजनीति बुद्धि को तो सलाम करना पड़ेगा। अरे इधर शिवा के हाथों पुराना सीएम शमशान पहुंचा और उधर आप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे। लेकिन भजन सिंह जी, आप इस पद पर बैठने के बाद आपके राइट और लेफ्ट के दोनों कुर्सियां हमारे लिए खाली छोड़ देना। अरे तुम लोग कुर्सी की बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए बेंच का इंतजाम करा दूंगा। बैठना है बैठ जाओ, लेटना है लेट जाओ। भजन जी, वाकई वही जुनून है अभी तक इसमें, लेकिन ठंडा पड़ जाएगा जब इसे पता चलेगा इसकी औरत कहाँ है। बोल कहाँ है मेरी बीवी, बोल। जिंदा है। हाँ अभी तक जिंदा है, लेकिन मौत उसके चारों तरफ गर्दिश कर रही है। देखना चाहता है वो मंजर। अरे नहीं नहीं नहीं, आगे नहीं जाना शिवा, आगे नहीं जाना। इन तारों में इतना तेज करंट दौड़ रहा है ना कि इसे छूकर तो लोहा भी राख बन जाएगा। तेरी बीवी उस गोले में कैद है और तेरा होने वाला बच्चा उसकी कोख में कैद है। अगर तू चाहता है कि दोनों जिंदा रहे तो जाके उस सीएम को उसकी जिंदगी की कैद से आजाद कर दे। नमस्कार सीएम साहब। नमस्कार। नमस्कार सीएम साहब। सीएम साहब, सीएम साहब, फौरन एम्बुलेंस बुलाओ। दिखा दिया ना तूने अपना असली रूप, उठा लिया ना हथियार, बहा दिया ना खून। तुझसे बड़ा मुजरिम तो आज मैं अपने आप को समझने लगा हूं। जो तुझे गिरफ्तार करने की बजाय तुझे आशीर्वाद दिया, भूल थी मेरी, जो मैं ये समझ बैठा कि एक मुजरिम के अंदर इंसान करवट ले रहा है। नहीं, आज तूने ये साबित कर दिया कि चोला बदल लेने से आदमी का चरित्र नहीं बदल जाता। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। क्या कर रहे हो? सॉरी सर, मैं मजबूर हूं। हम सब यहां हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी के शोक समारोह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए जमा हुए हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे मुख्यमंत्री पद का भार सौंपना चाहते हैं, लेकिन मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं है, दुख है इस बात का कि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और आज ये शहर आग और खून में बह रहा है। कौन है वो जो खून की होली खेल रहा है? किसकी नजर लगी इस देश को कि खून बहने का सिलसिला रुकता नहीं? हथियार वही है, बदलते हैं तो सिर्फ गोलियां चलाने वाले हाथ। वाह भजन सिंह वाह, शब्दों से खेलने की जादूगरी तो कोई तुमसे सीखे। साहिबान, ये आदमी जो आपके सामने देशभक्ति और एकता की बातें कर रहा है,
दरअसल यही वो शख्स है जिसने मुझे मार डालने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन शायद भजन सिंह ये भूल गए, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। इन्होंने जिसे मेरी मौत का दूत बना के भेजा था, वही मेरी जिंदगी बचाने वाला फरिश्ता साबित हुआ। और आज मैं उस नौजवान को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अजय, सॉरी भजन सिंह, तुम्हारा सीएम बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। मेरा ख्वाब अधूरा रह गया तो मैं तुमको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। की फाइल अभी तक कंप्लीट नहीं हुई शिवचरण, क्योंकि उसमें तेरा खून अभी बाकी है। मुख्यमंत्री साहब की जान बचाने और कानून का साथ देने के एवज में सरकार ने अजय उर्फ शिवा को कम से कम सजा देने का फैसला किया है और उसे एक नई जिंदगी जीने का मौका देती है। आप पतियां जपियां पाले हम, अतियों के पेच लड़ा ले हम। आप पतियां जपियां पाले हम, अतियों के पेच लड़ा ले हम। दिल में है खलबली वो मेरी चुलबुली, खुल के मिले आज हम। पियां जपियां पाले हम, अतियों के पेच लड़ा ले हम।